यहाँ पे मैंने कुछ का मैंने व्यवस्था नहीं था। जैसे कुछ चीज अपन मैंने पैदा कर भी रहे हैं, कमा रहे हैं खेती बाड़ी, तो उसको जिससे अपन मार्केट ले जाते थे तो उतना पैसा अपने को नहीं मिलता था। तो उस चीज को करने के लिए उसके बाद में क्या हुआ कि रीट्स आई अपने पास में ये 2010 में। तो रीट्स के आने के बाद में अपने को लोग मैंने इंटरक्राफ्ट के लिए बीजा देते थे, तो बीजा देने के बाद में उसी से इनको मैंने आइडिया बताते थे, इस तरह से लगाओ इस तरह से लगाओ, उसका आइडिया बताते थे। तो ये आइडिया बताने के बाद में क्या है कि उसको कहाँ बेचना है कहाँ लेना है तो अपन करते थे कि बड़ा मार्केट में ले जाते थे। और अभी तो उसके बाद में बड़े मैंने कि कुछ धीरे धीरे अपन मतलब बड़ा ऊंची में लगाने लगे। पहले क्या था 50 डिसमिल से एक डिसमिल, 50 डिसमिल से एक एकड़, एक एकड़ से दो एकड़। अभी मैं करीबन 5 एकड़ 10 एकड़ का मैं मिर्ची भी लगाता हूँ कहिए। और टमाटर क्या है थोड़ा सा वो ज्यादा कच्चा हो जाता है, कच्चा मतलब कि धंधा हो जाता है, उसको थोड़ा सा लेने लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, गल जाता है। तो इसलिए अपन ज्यादा मिर्ची का ही ज्यादा भी यूज करते हैं। उसमें क्या है कि अभी उसके बाद अपन हरित क्रांति एक पीओ खोले कि मैं बोला अगल बगल आदमियों को मैं जागृत किया कि एक मैंने कि समूह बनाते हैं पीओ, और उसको बनाने से क्या अपने को फायदा मिलेगा कि बिचौलिया इसमें खत्म हो जाएगा। और ये रिट्स के सर लोग बताए कि इसमें हम आपको मदद करेंगे आगे तक जाने के लिए, क्या करना है मंडी से संपर्क करा देंगे इस तरह से बोले। तो अपन मतलब वो चीज रीट्स किए कि तो रीट्स अभी 2 साल से चल रहा था, 2 साल में अपने को बहुत सा भी फायदा मिला। नहीं पर भी जिसे क्या करना चाहिए, अभी अभी की स्थिति में मेरा 75% मैंने सुधार हो गया पहले की स्थिति में। और अब उसमें और अभी अपने यहाँ पे बाड़ी में एक रीट्स के होते तो उससे मैंने तालाब भी यहाँ भी खोदवा दिए सर, तालाब भी है मच्छी पालन के लिए जी, मच्छी पालन और सिंचाई दोनों के लिए।